सब्सक्राइब कीजिए काबूम टेक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं पिक्सेल वेबसाइट में जो है फोरम, उसके अंदर के क्वेश्चन आंसर को मैं कवर करूंगा, यानी कि इसके अंदर जो पूछे जाने वाले फोरम के अंदर क्वेश्चन को मैं आंसर करूंगा, यानी कि इस वीडियो में उसके आंसर दूंगा। ठीक है, तो फिर चलो फिर शुरू करते हैं। ओके, तो अभी ये आप देख सकते हो इधर पे हम लोग आ गए हैं पिक्सेल के फोरम में। तो पिक्सेल के फोरम को आप कहाँ से ले सकते हो, ये फोरम में आपको बस आपको पहले क्या इधर पे रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर लॉगिन करके इधर पे अकाउंट बना लो, फिर डायरेक्टली आपको अगर इधर पे पोस्ट अगर बनाना है, पोस्ट अगर क्रिएट करना है, तो डायरेक्टली आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर पोस्ट क्रिएट करने नहीं आता तो उसका भी वीडियो मैंने अलग से बना दिया था, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर बस जिन लोग ने पोस्ट दिया था यहाँ पर, इधर पे इंग्लिश का है, इधर पे हिंदी का है। इंग्लिश में तो किसी ने भी पोस्ट किया नहीं, क्वेश्चन किया नहीं, तो हिंदी में ज्यादा तो हिंदी में ही हुए हैं क्वेश्चन, तो फिर हिंदी वाले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो इधर पे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है चलो देखते हैं। इधर प्रॉब्लम है फॉरेस्ट पैक का, ठीक है देखते हैं। तो फॉरेस्ट पैक में क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि ये देखो इमेज उसने भेजा है, इमेज भी आप पोस्ट कर सकते हो कि आप में प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो बता सकते हो। तो फिर इधर पे देख सकते हो कि इधर पे आपको बता रहा है, मैसेज में ही लिख के आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, कि आपने दो यानी कि डुप्लीकेट प्लगइन को इंस्टॉल कर लिए है, यानी कि गलती से यही वाले फॉरेस्ट पैक के दो वर्जन इंस्टॉल कर लिए है, और दो वर्जन इंस्टॉल नहीं है फिलहाल, यानी कि एक वर्जन अनइंस्टॉल हो गया जो उसका क्रैक वाला जो फाइल होता है, यानी कि फॉरेस्ट पैक प्रो वाला फाइल, वो उसके अंदर पहले से कॉपी किया हुआ पुराना वर्जन का भी रखा हुआ है गलती से। तो आपको पुराना वर्जन का जो गलती से क्रैक वाला फाइल है उसको डिलीट करना होगा इस एरर को निकालने के लिए, जो आपका पुराना वाला नया वाला फाइल है उसको वही रखना होगा। ठीक है, तो अगर आप क्रैक कर रहे हो तो, यानी कि ऐसा कुछ है तो। ओके, तो फिर अभी फिलहाल तो इसमें इतना ही, और आगे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। यस, तो अभी ये वाला तो क्वेश्चन तो इतना ही था, इसके अंदर भी देखते हैं इसमें क्या है। आई थिंक इसमें भी वही है, ठीक है तो इसको पीछे करते हैं, फिर चलते हैं इसके अंदर मिसिंग डीएलआर प्रॉब्लम। तो मिसिंग डीएलआर प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मिसिंग डीएलआर प्रॉब्लम, प्लीज कोई बताओ, मैक्स ओपन करने के बाद ये मैसेज आता है और कुछ क्लिक भी नहीं होता है, हैंग होता है 3 मैक्स। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है अभी यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन खुद ही बता दिया है कि मिसिंग है। मिसिंग है क्या, डीएलएल फाइल मिसिंग है चैम्फर्ड मोड की, ठीक है, यानी चैम्फर्ड मोड की एक डीएलएल फाइल मिसिंग है, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपको अपना 3D Max को रीइंस्टॉल करना चाहिए तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है इसमें, ठीक है। जब आप अपने 3D Max को रीइंस्टॉल करोगे तब बाद में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, क्योंकि आपका डीएलएल फाइल ही मिसिंग है तो फिर आपको तो रीइंस्टॉल करना बनता है। ओके, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अभी यहाँ पर तो यही चीज़ है। ओके, तो पीछे चलते हैं, तो फिर इसके अंदर है थर्ड क्वेश्चन क्या है। ओके, यहाँ पर अभी यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे तो इधर पे इस तरह का एरर आ रहा है, इस तरह का एरर आपको बहुत बार आ चुका होगा, इस तरह का एरर, यानी कि एप्लीकेशन क्लोज डाउन करेंसी। ओके, तो यानी कि डू नॉट वॉन्ट टू अटेम्प्ट सेव कॉपी करंट सीन, यानी कि ओके करोगे तो फिर वो क्लोज ही होने वाला है, कैंसिल करोगे तब भी खेल खत्म होने वाला ही है। ओके, तो यानी कि क्या हुआ है कि इसने स्क्रिप्ट उसने रन किया था या फिर रन नहीं किया था, यानी कि कुछ भी अगर उसने किया था, अगर रन किया था तो मेरे ख्याल से रन करने के बाद तो उसकी वजह से कुछ कन्वर्ट टू नब्स गलती से उसने राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू नब्स पे क्लिक कर दिया, ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर इसकी वजह से वो जाके एरर आया, क्योंकि जाके वो शायद इसका ग्राफिक कार्ड में प्रॉब्लम होगा, इसके वजह से हो रहा है, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम में आपको एक ही चीज़ करनी चाहिए, आपने 3D Max को या फिर रीसेट कर ले। रीसेट करने का क्या है उसका भी वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर रीसेट करने का आपको यहाँ पर मिल जाएगा रीसेट करने का लिंक, जैसे कि रीसेट करने का अभी यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस जगह पर इसके नीचे ही है रीसेट करने का लिंक भी आ जाता है, ये देखो इस तरह से आप रीसेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो इसमें आपको ये वाले पाथ पे जाना है,
इस पाथ पे जाने का तरीका क्या है, इस पाथ को कॉपी कर लो अगर आपको रिसेट करना है तो, जैसे कि आपका 3D Max 17 है या फिर 18 है या 19 है, जैसे 3D Max डिजाइन है तो ये ले सकते हो, 3D Max नॉर्मल है तो ये नीचे वाला ले सकते हो। अगर मेरा 3D Max नॉर्मल है तो मैं 3D Max नॉर्मल वाले को लूँगा और कॉपी करता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को अपना देखने का है, किसका पाथ देखने का है मुझे, अगर मुझे पाथ देखने का अपने 18 वाला, तो इधर पे 18 यानी 17 की जगह पे मैं 18 लिख दूंगा। अगर आपको 14 का देखना है तो आप 14 लिख दोगे, फिर इधर पे क्या करोगे, इंटर। तो इंटर करने के बाद अभी इसमें भी कुछ एरर आ रहा है, तो उसको एक एरर मेरे ख्याल से ये हो सकता है, ये गैप आई थिंक ज़्यादा है, नो तो कुछ और मिसिंग है। ओके यस, इधर पे यूज़र नेम का भी आपको ध्यान रखना है, यूज़र नेम आपका फाइल का यूज़र नेम। मैं बताता हूँ कहाँ से ये कैसा पाथ रहता है। तो सबसे पहले तो आपको आपका एप्लीकेशन डेटा को ऑन रखना चाहिए। एप्लीकेशन डेटा कैसे ओपन करोगे, क्योंकि एप्लीकेशन डेटा ओपन करने के लिए पहले तो अगर आपका एप्लीकेशन डेटा ओपन नहीं रहेगा, जैसे कि सपोज कभी कभी क्या होता है, जिन लोग पहली बार कर रहे हैं तो उन लोग का एप्लीकेशन यानी कि हिडन फाइल बंद रहती है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर अपने हिडन वाले इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं बताऊंगा फिर से कि कैसे मैंने इसको किया। तो अभी इधर पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे अभी मैं यूज़र पे जाऊँगा, जैसे इसने बोला है कि यूज़र पे जाओ सी ड्राइव में जाके, फिर इधर पे हम लोग बोलेंगे चलो भाई यूज़र नेम पे जाते हैं, ये मेरा यूज़र नेम गेम प्ले है। फिर इसके अंदर मैं जाता हूँ एप्लीकेशन डेटा में, एप्लीकेशन डेटा है किधर, एप्लीकेशन डेटा दिख रहा नहीं है। और क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो हिडन फाइल है। तो हिडन फाइल है, हिडन फाइल को हम लोग को देखने के लिए क्या करना होगा, उसको शो करना होगा। शो करने के लिए हम लोग को जाना होगा व्यू में, व्यू में हम लोग जा सकते हैं। ये मैं 2010 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर व्यू का बटन मिल रहा है। अगर आप 10 यूज़ करें तो आपको इसी पड़ सकता है, ठीक है। 10 में आपको व्यू पे जाना है, फिर इधर पे ऑप्शन वाला बटन देखना होगा आपको, ऑप्शन किधर मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन में जाके फिर इधर पे हम लोग को चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है, या फिर इसके ऊपर ही क्लिक करके हम लोग यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद फिर व्यू पे क्लिक करना है, फिर इधर पे शो हिडन फाइल पे क्लिक करना है। उससे क्या होगा, अभी देखो जैसे ही मैं इसको करता हूँ अप्लाई एंड ओके, तो अप्लाई करने के बाद ये देखिए एप्लीकेशन डेटा शो होने लग गया, ठीक है, यानी जो हिडन फाइल थी वो शो होने लग गई। अभी यहाँ से हम लोग आसानी से लोकल फोल्डर, फिर उसके बाद ऑटोडेक्स, फिर उसके बाद 3DX Max, फिर इसके अंदर मेरे को जिसको भी रीसेट करना है, 14 या 18 या 17 या 19, जिसको भी रीसेट करना है मैं उसको उसमें जाके, जैसे 14 में गया उसको मैं क्या कर सकता हूँ, इधर पे जाके उसको मैं यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, डिलीट करना चाहूँ तो, अगर नहीं करना है तो कैंसिल, ओके। इस तरीके से आप रीसेट कर सकते हो, डिलीट करने का है तो यहाँ से डिलीट करके, इसको मैं डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा 3D Max ओपन है, तो इसलिए मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। तो डिलीट करने के बाद फिर आप रन करोगे तो क्या होगा कि वो स्टार्टिंग से जितने भी स्क्रिप्ट है, जो इसने स्क्रिप्ट इंस्टॉल करके रखा हो, पूरा स्क्रिप्ट क्लीन हो जाता है, जो भी फालतू के स्क्रिप्ट्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं। तो उसके जरिए से फिर जाके आपका थोड़ा सा जो नया जैसा 3D Max हो जाता है, यानी कि नया इंस्टॉलेशन जैसा आपका 3D Max हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अभी ये तो समझ में आ गया, तो अभी फिर से हम लोग चलते हैं फॉरम की तरफ, कि फॉरम में हम लोग देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन है क्या नहीं फिलहाल, ओके। तो फिर से चलते हैं Q&A हिंदी, फिर नीचे की तरफ मेरा 3D Max में एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है भाई, ओके। इसका भी सेम वही प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर भी वही चीज़ करनी पड़ती है ज़्यादातर, तो वही हम लोग को डिलीट करना पड़ता है अपना, इस तरह का अगर एरर आ रहा है तो उसको आप डिलीट कर दो, तो उससे क्या कि आपका 3D Max रीसेट हो सकता है, फिर रीसेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको रन करने में आसानी हो जाती है, ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आने पर, ठीक है। तो उस जगह पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको बस जैसे मैंने बताया कि पार्ट में जाके ENU फोल्डर को डिलीट करना होता है। जब आप डिलीट कर दोगे तो फिर से जाके पूरा एप्लीकेशन फिर से दोबारा से इंस्टॉल, यानी कि इंस्टॉल नहीं यानी कि रन होगा, पूरा रन नहीं होगा, पूरा इंस्टॉल नहीं होने वाला है, यानी कि जब हम लोग 3D Max ओपन करते हैं, जो जैसे कि हम लोग कोई भी 3D Max अगर मैं ओपन करता हूँ, फिर से मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर एक 3D Max को, जैसे कि मैंने ओपन किया 19, जैसे कि मैं 19 को ओपन करता हूँ, तो इसके अंदर जो पहले जो वो होता है कैलकुलेशन होता है उसके पाथ का, उसके
इधर से वो सब चीज़ें स्क्रिप्ट वगैरह कहाँ से उठा रहा है वो सब चीज़ें वो कैलकुलेट करता है, जैसे कि इधर पे इंस्टॉलेशन हो रहा है, इंस्टॉलाइज हो रहा है अभी, तो इधर पे थोड़े बहुत इधर पे नेमिंग भी आते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंस्टॉलेशन हो रही है, इधर पे लिख के आता है कि क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हो रही है यहाँ पर, कहाँ क्या चीज़ें ओपन होने वाली है, ठीक है, कौन कौन से स्क्रिप्ट लगने वाली है, वो सब चीज़ें इधर पे रन भी होती है। ओके मुझे एग्री करना है क्योंकि बहुत दिन के बाद ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखो मैं डी ड्राइव में सेव करके रखा हूँ, तो डी ड्राइव से इंस्टॉल करके रखा हूँ तो डी ड्राइव के फाइल पाथ को वो सब ले रहा है, सारे सारे फाइल पाथ स्क्रिप्ट को वो सब चीज़ें वो कैलकुलेट कर रहा है, ले रहा है वहाँ से, ठीक है, पूरे डेटा को वो वहाँ से उठा रहा है, ठीक है। अगर आप सी ड्राइव में इंस्टॉल करो तो सी ड्राइव से, मैं डी ड्राइव में इंस्टॉल कर रखा हूँ डी ड्राइव से वो सारे सारे जो उसके इंपॉर्टेंट जो कमांड्स है उसको वो ले रहा है वहाँ से उठा रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो वीरे के वीरे का रेंडर है, वीरे के प्लगइन्स है, जो भी प्लगइन्स हैं वो सब भी वो प्लगइन्स वगैरह भी ले रहा है, देखो प्लगइन के फोल्डर में गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद से ये इंस्टॉल यानी कि चालू हो गया, इस तरह से आपका भी चालू होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जब आप रीसेट कर दोगे तो आसानी से फिर से इंस्टॉलेशन करेगा, फिर से साथ एग्री मांगे, फिर एग्री मांगे तो फिर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। यानी एग्री वैसे फिलहाल मांगता नहीं, नहीं तो फिर जाके इंस्टॉलेशन करेगा, इंस्टॉलाइज करेगा, फिर जाके आगे बढ़ेगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा जैसे ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक। ओके तो अभी ये इधर पे हम लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और यहाँ पर आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो फिर इसमें अभी तक इतने ही क्वेश्चन आए थे तो इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन को ही कवर किया। तो अगर आपके और भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर इस फॉरम में जाके यहाँ पर अपने इमेजेस या फिर अपने प्रॉब्लम्स यहाँ पर शेयर कर सकते हो, तो उसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, उसका भी अलग से एक Q&A वीडियो बना दूंगा और उसके आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।